हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एमपीपीएससी रेलवे पटवारी सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि 20 क्वेश्चन हैं। और 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का 18वां टेस्ट है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन है, आग के पीछे के पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो आग के पीछे के पृष्ठ को दृष्टि पटल कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री जी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था मुंशी प्रसाद श्रीवास्तव, मुंशी मुंशी प्रसाद श्रीवास्तव था। और अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये है, वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज बीमारी किसको प्रभावित करती है? तो ये पैनक्रियाज को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक की खोज किसने की थी? तो तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो नीति निर्देशक का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये है इजराइल की। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है हाजीपुर में। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका जुनेवा में मुख्यालय है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसमें भाषाओं से, इसमें 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया है 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो सेबी इसका नियमन करता है स्टॉक एक्सचेंज का। और अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो द हैक नीदरलैंड में रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था सी वी देसाई ने। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? ये निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? तो ये हुई थी 1966 से 1967 में। अगला क्वेश्चन है, द टाइम्स समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित होता है? तो ये लंदन में प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 मई को। अगला क्वेश्चन है, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं? तो ये है स्विट्जरलैंड के। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, 49वीं समांतर रेखा किसके मध्य स्थित है? तो यह है उत्तर अमेरिका और कनाडा के मध्य। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही हमसे जुड़ने के लिए हमें इंस्टा पर फॉलो कीजिए। इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।